आपके आसपास बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही हैं और वो भी आपको जाननी चाहिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं कुछ अच्छी खबरें, पॉजिटिव न्यूज। पंजाब का नवा शहर ऐसा जिला बन गया है जहां कोई बच्चा भीख नहीं मांगता बल्कि वो स्कूल जाता है। बच्चों को सही रास्ते पर लाने में भूवर्थ चाइल्ड केयर सोसाइटी का सबसे बड़ा योगदान है। इस संस्था को चलाने वाली गगनदीप कौर ने 4 साल पहले अपने गहने बेचकर इस मिशन की शुरुआत की थी। गुरुग्राम की रहने वाली अनुष्का ने 10वीं के CBSE बोर्ड के नतीजों में दिव्यांग कैटेगरी में टॉप किया है। अनुष्का पांडा ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 97.8% अंक हासिल किए हैं। अनुष्का को 500 में से 489 अंक मिले हैं। 14 साल की अनुष्का लाइलाज बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी से ग्रस्त हैं, जिसकी वजह से वो ठीक से चल नहीं पाती। दिल्ली की सड़कों पर खराब क्वालिटी के हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाने वालों के लिए उल्हास जागरूकता अभियान चला रही हैं। 4 साल से उल्हास सड़क पर उतरकर लोगों को ISI मार्का हेलमेट पहनने के लिए जागरूक कर रही हैं। जो लोग ISI मार्का हेलमेट नहीं पहनते हैं, उल्हास उन्हें समझाते हैं, उन्हें गिफ्ट देकर उनका हौसला बढ़ाते हैं। असम के पूर्व DGP मुकेश सहाय 34 साल नौकरी करने और प्रदेश के पुलिस चीफ की पोस्ट से रिटायर होने के बाद टीचर बन गए हैं। उन्हें पता चला कि स्कूल में पिछले 1.5 साल से कोई भी गणित का शिक्षक नहीं है और छात्रों को बहुत परेशानी हो रही है। इसके बाद उन्होंने तय किया कि रिटायरमेंट के बाद वो इसी स्कूल में बच्चों को मैथ्स पढ़ाएंगे। पानीपत के लाखू बुआना की 16 साल की रजनी ने बॉक्सिंग में कई गोल्ड मेडल जीते हैं और अपने गांव के लिए मिसाल बन गई हैं। रजनी की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी रजनी ने गांव में ही अभ्यास किया और खेल इंडिया में ब्रॉन्ज जीता। रजनी ओलंपिक में भारत के लिए मेडल की तैयारी कर रही हैं।